कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है। ज्यादातर जगहों पर शादियों को आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन सिवनी के छपारा में एक शादी हुई बेहद सादगी के साथ। शादी में दूल्हा सिर्फ दो बाराती लेकर पहुंचा और वधू पक्ष के परिवार के लोगों की मौजूदगी में यह शादी हुई। अक्षय तृतीया पर सैकड़ों शादियां हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो सभी शादियां निरस्त हो गईं और जो शादियां हो रही हैं वो प्रशासन के आदेश के अनुसार बहुत ही सादगी के साथ हो रही हैं। शादी में मौजूद अधिकारी ने बताया कि शादी में सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया गया। बारात छिंदवाड़ा से यहां पहुंची है, जिसमें 5 लोग छिंदवाड़ा से बारात में शामिल हुए। दूल्हा खुद गाड़ी चलाकर ससुराल पहुंचा और विवाह की रस्में संपन्न हुए, जिसके तुरंत बाद उन्होंने उन्हें रवाना कर दिया। अनुमति लेकर अपनी शादी आज की है, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए उक्त शादी आज संपन्न हुई। केवल 5 लोग ही बारात में आए थे, 3 फोर व्हीलर से एवं एक एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए थे, जो कि विवाह के बाद रवाना हो गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।